मंदसौर की मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देपालपुर के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने कैंडल मार्च निकाला। देपालपुर विधानसभा के गांधीनगर क्षेत्र में मंदसौर की मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में निकाले गए इस कैंडल मार्च के दौरान क्षेत्र की जनता में गुस्सा भी देखा गया। मार्च के बाद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला भी जलाया। शिवराज मामा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शिवराज का चमत्कार, गली गली मनत्कार। 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 इस मौके पर जनता ने एक सुर में मासूम के साथ वहशियाना हरकत करने वालों को फांसी से भी बढ़कर सजा देने की मांग की और आक्रोश जताया। जो कैंडल मार्च आज किया है, मध्य प्रदेश में मालवा में और मालवा में जो मंदसौर में और कुछ महीनों पूर्व मध्य प्रदेश में इंदौर हमारी देवी माँ इंडिया की नगरी में जो मासूम हमारी बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। और मध्यप्रदेश सरकार की नाकामी जो मामा भांजियों को नहीं संभाल पा रहा है इसको लेकर ये प्रदेश में हम चिंता हमारी और हमारी पार्टी व्यक्त कर रही है। हम शासन प्रशासन और सरकार से और राष्ट्रपति और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से अपील करते हैं कि जो दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी की सजा हो, ये हम सब मिलकर मांग करते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चले तो जितने जल्दी से जल्दी इसका फैसला आए और आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इंदौर कलंकित हुआ, माँ देवी अहिल्या की नगर और साथ ही मंदसौर मालवा कलंकित हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारी बालिका के साथ कृत्य हुआ और वो वहां पर है MI में, उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जाए जिसका खर्च संपूर्ण मध्यप्रदेश सरकार और राज्य सरकार उसका वहन करे, ये हम अपील करते हैं। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने कैंडल मार्च के जरिए मासूमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता भी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़।